हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन एट योर होम। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास सिक्स, लेसन फाइव। लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का मतलब है पृथ्वी की चारों जो भी मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और आपका जैव मंडल। आप कल हमने टू क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, आज उससे आगे हमने चैप्टर को रीड किया था, वहां तक जो भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड क्वेश्चन बन रहा है पृथ्वी की सतह को, यानी पृथ्वी की जो ये तल है इसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह भी ऊपरी परत को बोलते हैं, भूपर पट्टी के ठोस भाग के बने हुए को, या समुद्र की जो सतह उसको, दोनों सतह के रूप में है। इसलिए क्वेश्चन यहां से निकला है क्योंकि पृथ्वी की सतह को कितने दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो दो मुख्य भागों में, एक महाद्वीप, दूसरा महासागर। ध्यान रखना आपने, पहला महाद्वीप, दूसरा महासागर। महाद्वीप उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो भूमि से घिरा हुआ हो, जो जिस भूमि जहां पर स्थित हो, विद्यमान हो, वो क्षेत्र कहलाता है महाद्वीप। और महासागर कहलाता है वो क्षेत्र जहां पर विशाल जलीय क्षेत्र हो। भूमि का केवल 1/3 भाग ही, सतह का 1/3% भाग जो है वो ही केवल स्थल मंडल है, महाद्वीप है। केवल पूरी जो सतह है उसका 1/3 भाग महाद्वीप है। महासागर विशाल जलीय क्षेत्र को कहा गया है। 1/3 हिस्से को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा जो है वो सारा जल से ढका हुआ सतह वाला है। किसी भी स्थल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? हम किसी पर्वत की ऊंचाई को नापे या किसी भी जगह की ऊंचाई को नापे तो हम समुद्र तल की ऊंचाई 0 लेते हैं और वहां से हम नापते हैं, यानी समुद्र तल से हम किसी भी स्थान की ऊंचाई को नापना शुरू करते हैं। जैसे कि आपका स्केल होता है, आप जब उससे कुछ भी नापते हो, कितना इंच लेना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई रखनी है, तो हम स्केल के शून्य से नापते हैं। उसी तरह से हम स्थल की जो भी ऊंचाई है उसको समुद्र तल से मापेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी सबसे ऊंचाई पर पृथ्वी का कौन सा भाग है और यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो समुद्र तल से 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और ये एशिया में स्थित है, एशिया में है। आपको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको इसका ध्यान रहे, ठीक है? ये एशिया में स्थित है। यह समुद्र तल से अगर हम इसको मापते हैं तो 8848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद संसार का सर्वाधिक, जिस तरह से हमने ऊंचा स्थान बताया उसी तरह से संसार का सबसे गहरा, सर्वाधिक का मतलब है सबसे गहरा भाग कौन सा है तथा यह कहां पर स्थित है? संसार का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है और यह समुद्र में है और इसकी जो गहराई है, ऊंचाई में नापेंगे तो ऊंचाई और गहराई है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर गहराई में है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। आज हमने 3 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, इन्हीं को आपने लर्न करना है, राइट करना है
और फिर कॉपी में नोट करना है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। सॉरी।